सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर एक लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, छोटा करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों करेगा, उसका रीज़न आज मैं भी दूंगा आपको। जो लिक्विड अपने सरफेस एरिया को सबसे ज़्यादा मिनिमाइज कर जाता है, हम बोलते हैं उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, और जो कम कर पाता है उसकी सरफेस टेंशन कम है। जब वो मिनिमाइज करता है, जब स्टेशनरी लिक्विड मिनिमाइज करता है, तो उसका सरफेस एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक हल्की सी मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ऐसा क्यों करती है ये भी डिस्कस करेंगे, पर इस प्रॉपर्टी को, जब लिक्विड की सरफेस, जब लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ है और लिक्विड की सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करती है, कम से कम करती है, और एरिया को मिनिमाइज करते करते उसकी सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्यों होती है सरफेस टेंशन, इसके लिए सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट है दो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्सेस से, जिनका नाम है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस। तो दो किस्म की फोर्सेस है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। तो मान लो आपके पास वाटर है, लिक्विड है, पानी और पानी के मॉलिक्यूल के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स है। मान लो मेरे हाथ का मॉलिक्यूल और इसी हाथ का मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, सेम मटेरियल की फोर्स है। एडहेसिव फोर्स का मतलब डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की फोर्स एडहेसिव फोर्स है, जैसे पानी का मॉलिक्यूल और मेरे हाथ का मॉलिक्यूल। तो पानी का मॉलिक्यूल और हाथ के मॉलिक्यूल में फर्क है, तो ये एडहेसिव फोर्स है। तो आपने ये भी नोट किया होगा, केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म सिखाई जाती है, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वही हैं, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, पर इसके अंदर बोलते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस। तो दो डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स को क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, मार्केट में मिलते हैं, कल को अगर टाइल लगवानी हो, टाइल के लिए एडहेसिव मिलता है, एडहेसिव लगाओ टाइल चिपक जाती है, हम बोलते हैं एडहेसिव देना थोड़ा सा। एडहेसिव क्या है, वो एक ऐसा केमिकल है जो टाइल और उस मटीरियल के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर देगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी टाइल है, जो भी मटीरियल मॉलिक्यूल्स हैं टाइल के और एडहेसिव के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतनी स्ट्रांग है उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा एक बार चिपक गई, तो इतनी स्ट्रांग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसलिए हम बोलते हैं एडहेसिव केमिकल चाहिए हमें, क्योंकि वो एडहेसिव फोर्स कैलकुलेट करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, दूसरी एक चीज़ समझने वाली है इसमें, अगर मैं अपने हाथ को पानी में डाल लूँ तो मेरा हाथ गीला हो जाएगा, ऐसा होता है। क्यों गीला होता है, क्योंकि यहाँ पर हाथ के मॉलिक्यूल्स हैं और वहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, हाथ के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, और पानी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। अब पानी और पानी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है और मेरे हाथ के मॉलिक्यूल और पानी के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो क्या होगा, मेरा हाथ पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा और मेरा हाथ गीला हो जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल गीला होता है, वेटिंग ऑफ सरफेस बोलते हैं इसे, वेट होता है, गीला होता है, तो जो भी सब्सटेंस गीला होता है, वेट होता है, तो वो इसलिए वेट होता है क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस दो मटेरियल्स के बीच में स्ट्रांग है। अगर मैं अपने हाथ को मरकरी में डाल दूं, सूखा हाथ आएगा बाहर, गीला ही नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत बहुत स्ट्रांग है, और मेरे हाथ के मॉलिक्यूल मरकरी के बीच में जो फोर्स है वो बहुत वीक है, तो इसलिए मरकरी को खींच जाती है, और मेरा हाथ नहीं खींच पाता मरकरी को, तो हाथ सूखा पात बाहर आ जाएगा, वेट नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो सारी गेम किसकी है, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज है, मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल मान लो इतने डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसके बाहर वो दूसरे मॉलिक्यूल को खींच नहीं पा रहा। तो आर डिस्टेंस यहाँ या आर डिस्टेंस यहाँ या आर डिस्टेंस कहीं पर भी, तो हम क्या बोलेंगे, वो उसकी क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर रेंज है
कि कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितनी दूर तक अट्रैक्ट कर पा रहा है, मैक्सिमम दूरी कितनी है, उसको रेंज बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट सम एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल्स, और ये बहुत छोटी होती है, 10^-9 मीटर सॉलिड में और लिक्विड में, बहुत ही छोटी रेंज है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इमेजिन करो आपके पास एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये रहा, और इमेजिन करो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल की रेंज है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है जिसको ये अट्रैक्ट कर पा रहा है, और इसके पड़ोस में ये भी मॉलिक्यूल है आर डिस्टेंस तक ये अट्रैक्ट कर पा रहा है, ये भी एक मॉलिक्यूल 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 है, तो अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं, इनका लोकस ज्वाइन करूं, तो क्या आएगा फिगर? सर्कल नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉइंट इधर और इधर भी तो खींच रहे 3D में, इसलिए जब आप ज्वाइन करोगे आर डिस्टेंस इधर इधर इधर, तो इन लोकस को क्या बोलेंगे? एक स्फेयर। तो इस इमेजिनरी स्फेयर को हम क्या बोलते हैं? स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो रेडियस है वो क्या लिया जाता है? आर। ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है सरफेस की फिल्म।